Good morning, students. I am your English teacher. I hope you all will be fine, students. पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर वन को अच्छे से पढ़ लिया था. टुडे आज वी विल डिस्कस चैप्टर टू. आज हम लोग चैप्टर टू को पढ़ेंगे जिसका नाम बोट्स सेल ऑन द रिवर्स मीन्स नावों का नदियों पर चलना. नाव जो है नदी पर चलते हैं, तो नाव नदियों पर चलते हैं इसका मतलब यह हुआ कि बोट्स सेल ऑन द रिवर्स. इसके पोए इसके पोएट हैं क्रिस्टीना रोजेटी. यह एक पोएम है. बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आई एम गिविंग यू सम होमवर्क एज अ वर्ड्स मीनिंग यू मस्ट रिमेंबर इट. वन प्रेटी. प्रेटी मीन्स खूबसूरत सुंदर. प्लीज इट मीन्स कृपया या खुश होना. बो इट मीन्स नमस्कार करना झुकना. ओवर टॉप इट मीन्स ज़्यादा होना. फार इट मीन्स ज़्यादा दूर. आपको जितने भी वर्ड्स मीनिंग दिए जा रहे हैं उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ड्स मीनिंग आपको बहुत ही सहायता करेंगी आगे. चलिए अब हम इस पोएम के बारे में पढ़ते हैं. द पोएट प्रेजेज द ब्यूटी ऑफ द स्काई ऑन अ क्लियर डे. पोएट ने साफ दिन में आसमान की सुंदरता की प्रशंसा की है. तो पहले हम इस पोएम को पढ़ लेते हैं, एक बार रीडिंग डाल लेते हैं. बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज बट द क्लाउड्स डैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रेटियर फार देन दीज. देयर आर ब्रिजेज ऑन द रिवर्स एज प्रेटी एज यू प्लीज बट द बो डैट ब्रिजेज हैवन एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रेटियर फार देन दीज. आपका पोएम यहीं तक है, ठीक है. अब हम इसका हिंदी करते हैं. बोट्स सेल ऑन द रिवर्स इट मीन्स नाव जो है नदियों पर चलते हैं. नाव नदियों पर चलते हैं एंड ships मीन्स जहाज. पानी वाला जो जहाज होता है वो. ships सेल ऑन द सीज. सीज मीन्स समुद्र. पानी वाला जो जहाज है, पानी का जहाज, वो कहाँ चलते हैं? समुद्र पर चलते हैं, सागर पर चलते हैं. बट लेकिन द क्लाउड्स डैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन बादल जो हैं जो आसमान में चलते हैं, आसमान को क्रॉस करते हुए चलते हैं, आर प्रेटियर फार देन दीज, वो ज़्यादा ही सुंदर. प्रेटिक मीन्स सुंदरता. प्रेटियस्ट ये डिग्री कंपैरिजन का वर्ड्स है. तो जो बादल हैं वो नाव और शिप इन दोनों से ज़्यादा सुंदर हैं. नाव जो है वो नदी में चलते हैं और शिप जो हैं वो समुद्र में चलते हैं, लेकिन बादल जो आसमान में चलते हैं वो इन दोनों की तुलना में ज़्यादा सुंदर हैं. देयर आर ब्रिजेज ऑन द रिवर्स. नदियों पर बहुत से पुल हैं. एज प्रेटी एज यू प्लीज, जो बहुत ही सुंदर है जो आप लोगों को खुश रखती है, आनंद देती है. बट लेकिन द बो डैट ब्रिजेज हैवन, लेकिन झुकी हुई पुल मतलब धनुषाकार पुल वो स्वर्ग है. एंड ओवर टॉप्स और पैरों से ज़्यादा ऊंचा. ओवर टॉप्स द ट्रीज पैरों से ज़्यादा ऊंचा. एंड बिल्ड्स
और बनाते हैं एक रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रेटियर फार देन दिज, मतलब बहुत सारे ब्रिज जो हैं वो नदियों पे बने हुए हैं जो हमें बहुत ही आनंद देती है, खुशी देती है, लेकिन जो धनुष के आकार का जो ब्रिज होता है वो स्वर्ग होता है, स्वर्ग के जैसा होता है। ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे जे कि ये पेड़ों से ज़्यादा ऊँचे हैं, पेड़ से पेड़ को पीछे छोड़कर ये आगे बढ़ चुके हैं, पेड़ों से ज़्यादा लंबे हैं। और ये रोड बनाते हैं, ये जो पेड़ की तरह जो दिखते हैं ना वो क्या बनाते हैं, वो रोड बनाते हैं जो अर्थ से स्काई की ओर, मतलब ज़मीन से आसमान की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। ये सबसे ये ज़्यादा सुंदर हैं किनकी तुलना में, बहुत सारे ब्रिज जो बने हुए नदियों पर उनकी तुलना में। अब आप होमवर्क के रूप में आपको वर्क दिया जा रहा है ए बी सी, तीनों आपको बना के लाना है।